हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ SBN स्टूडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की इस सीरीज़ में हम एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्यूजेस। चलिए समझते हैं। बात करें कंटेंट की तो इंट्रोडक्शन से शुरू होते हुए हम जाएंगे बेसिक डेफिनेशंस तक, उसके बाद हम देखेंगे पैकेजेस एंड मटेरियल, उसके बाद फ्यूजेस को इंस्टॉल कैसे किया जाए, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ फ्यूजेस, फ्यूजेस एलिमेंट मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर एंड हाउ फ्यूजेस कंस्ट्रक्टेड, आखिर इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बाद ये इसकी वर्किंग क्या है और लास्ट में हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। फ्यूजेस को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फ्यूज़ क्या है, तो फ्यूज़ एक इंटरप्टिंग डिवाइस है जो कि एक वायर से लेके इसमें हाई टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो सकती है। बात करें इसके डिनोशन की तो ये जो आप नोटेशन देख पा रहे होंगे, इट इज़ सेम एज AC करंट बट समटाइम इट कैन बी डिफर। बात करें फ्यूज़ वायर की तो फ्यूज़ वायर इज़ नथिंग बट जो भी मटेरियल मेल्ट होता है जब भी ओवर करंट हमारे सर्किट में आती है उसे हम फ्यूज़ वायर बोलेंगे। बात करें फ्यूज़ लिंक की तो फ्यूज़ वायर जिन दो टर्मिनल के बीच कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे फ्यूज़ लिंक। इसके बाद देखेंगे फ्यूजिंग फैक्टर, तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन दी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूजिंग एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी मिनिमम करंट जिसमें हमारा एलिमेंट जो कि है मेल्ट हो जाता है और इसका रेशो जब हम देखेंगे करंट रेटिंग से तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो करंट रेटिंग है वो हमेशा आपकी मिनिमम फ्यूजिंग करंट से कम होगी। इसके बाद फ्यूज लिंक ऑपरेशन, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्री आर्किंग एंड आर्किंग, मतलब कि आर्क के इग्निशन के पहले और आर्क के इग्निशन के बाद का जो ऑपरेशन है उसे फ्यूज लिंक ऑपरेशन बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं पैकेजिंग और मटेरियल। तो जनरली फ्यूज़ के दो मेन पार्ट हैं, एक फ्यूज़ केसिंग है और दूसरा फ्यूजिंग एलिमेंट है। बात करें फ्यूज़ केसिंग की तो ये ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट कैसा भी हो सकता है। अगर इनकेस फ्यूज़ अपना ट्रांसपेरेंट है तो ये बना होगा आपके ग्लास से, और अगर मान लीजिए ये नॉन ट्रांसपेरेंट है तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये सेरामिक्स और मोल्डेड माइका लेमिनेटर्स का बना होगा। बात आती है कि आखिर फ्यूज़ को इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो भी सप्लाई की सेकेंडरी कॉइल है उसमें फ्यूज़ लगा है इन सीरीज, मतलब कि जो भी हमारी इनपुट करंट है जो भी हमारे पावर सिस्टम से आ रही है हमारे अप्लाइंसेस के लिए उसमें हम फ्यूज़ को इंस्टॉल करेंगे इन सीरीज। जैसा आप सर्किट में देख पा रहे होंगे कि एक VN है, वोल्टेज जो इनपुट हो रहा है आफ्टर ट्रांसफॉर्म ये आ रहा है हमारे यहाँ अप्लाइंसेस के लिए और इसको इन सीरीज हमने फ्यूज़ लगाया हुआ है, और इसके बाद जो हमारा सर्किट है वो प्रोटेक्टेड है जैसा कि आप ब्लॉग में देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं टाइप ऑफ फ्यूजेस। तो इसका कोई हार्ड एंड टफ डिवीज़न नहीं है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस और मटेरियल यूज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ब्लॉक में लो वोल्टेज फ्यूज से लेके हम जा रहे हैं हाई वोल्टेज फ्यूज तक, इसके बीच में है ड्रॉप आउट फ्यूजेस, स्ट्राइकर फ्यूजेस, स्विच फ्यूजेस और हाई वोल्टेज HRC फ्यूजेस। HRC का मतलब है हाई रपच्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। फर्दर लो वोल्टेज फ्यूजेस डिवाइडेड हैं रिवायरेबल और कार्टेज फ्यूजेस में, और इसका फर्दर डिवीजन आगे भी दिया हुआ है। बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ फ्यूज एलिमेंट मटेरियल, हम आखिर किस मटेरियल का यूज़ करें कि जो हमारा फ्यूज़ है वो बेटर परफॉर्म कर सके। तो डिपेंड करता है कि हमें किस क्वालिटी की ज़रूरत है। सपोज़ दैट कि हम चाहते हैं कि एक लो कॉस्ट में हमारा फ्यूज़ तैयार हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टिन और जिंक का, इवन लेड का भी यूज़ किया जाता है बिकॉज बोथ आर चीप मटेरियल। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो बहुत कम हो और कॉस्ट इवन अगर ज़्यादा भी बढ़ जाए तो इट इज़ नॉट अ मैटर, देन वी शुड यूज़ सिल्वर और कॉपर बिकॉज इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इन अदर वर्ड यू कैन से कि कंडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी है, तो हम यूज़ करेंगे सिल्वर और कॉपर, अदरवाइज हम लेड टिन या जिंक का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ टेबल में देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है सिल्वर और कॉपर का। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर की कि अगर हमें एक अच्छा फ्यूज चाहिए है तो हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। इसमें हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं रेटेड वोल्टेज का। रेटेड वोल्टेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैक्सिमम वोल्टेज जो कि फ्यूज़
हैंडल कर पाए उसको हम बोलेंगे रेटेड वोल्टेज। बात करेंगे नॉर्मल रेटेड करंट की, तो इट इज़ अ मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्यूज कंटिन्यूसली कंडक्ट विदाउट इंटरप्टिंग द सर्किट। इट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो कि फ्यूज से पास हो सके बिना फ्यूज़ को मेल्ट किए उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेटेड करंट। इसके बाद हम देखेंगे टाइम और स्पीड लैग। इट इज़ नथिंग बट अ टाइम टू जो कि फ्यूज टाइम लेगा मेल्ट होने में उसको हम बोलेंगे टाइम लैग। बात करेंगे कट ऑफ करंट कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो डॉटेड लाइन है ये फॉल्टी करंट है, मतलब नॉर्मल सर्किट में आनी नहीं चाहिए लेकिन आ गई है तो फ्यूज़ इसको प्रिवेंट कैसे करेगा। तो सबसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो कि करंट जीरो से चल रही है ये आई एस तक जा रही है। आई एस मतलब इट इज़ अ करंट आफ्टर विच फ्यूज़ आर एक्टिवेटेड। तो आई एस के बाद फ्यूज़ सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मतलब ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा। और जहाँ तक कि टाइम पीरियड टी एल गया है वहाँ फ्यूज़ टोटली मेल्ट हो चुका होगा। कुछ डेफिनेशंस आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव करंट, इट इज़ अ करंट विच शुड हैव फ्लोन इन द सर्किट इफ फ्यूज हैज़ बीन एब्सेंट। जो कि करंट पीक तक गया था इसे हमने आई पी से पिछले डायग्राम में डिनोट किया है। इट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव करंट कि अगर फ्यूज़ एब्सेंट होता तो करंट हमारा उस आई पी लेवल तक पहुँच चुका होता। इसके बाद प्री आर्गिंग टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाय टी एस, जो कि आप देख सकते हैं कि प्री आर्गिंग टाइम फ्यूज़ को मेल्ट होने से पहले का जो टाइम है उसे हम प्री आर्किंग टाइम कहेंगे। इसके बाद आर्किंग टाइम जिसमें हमारा फ्यूज़ मेल्ट होना चालू होगा उसे हम आर्किंग टाइम बोलेंगे। और टोटल ऑपरेटिंग टाइम मतलब कि आर्क इग्निशन के पहले से और फ्यूज़ मेल्ट होने के बाद तक ये जो टाइम है इसे हम बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग टाइम। ब्रेकिंग कैपेसिटी, इट इज़ अ मैक्सिमम करंट दैट सेफली कैन बी हैंडल्ड बाई द फ्यूज़। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इज़ प्रोवाइडेड बाई द फ्यूज़ एंड इट इज़ चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के साथ जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है उसे हम वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। टाइम और करंट का रिलेशन आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट की जो वैल्यू है इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ जो करंट है वो हमारा ज़ीरो को जा रहा है। और बात करें कि इसमें पावर लॉसेस की, तो जैसा कि कैलकुलेशन ऑफ पावर होता है आई स्क्वायर आर, सो यहाँ चूँकि आर इज़ एब्सेंट सो हम यहाँ टी ले रहे हैं। आई स्क्वायर टी में हम देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो फ्यूज़ कंज्यूम कर रहा है मेल्ट होने में। बात करें फ्यूज़ के कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि फ्यूज़ इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू प्लेट ऑफ मेटल, मतलब दो मेटल की प्लेट के बीच में एक फ्यूजिंग एलिमेंट लगा होगा। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे इसमें इंसुलेशन प्रोवाइडेड है, बेस कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, मेटल कंडक्टिंग केसिंग है, सेरामिक इंसुलेटिंग केसिंग है, ग्लास विंडो है और मेटल फ्यूज़ वायर है। बात करेंगे फ्यूज़ आखिर वर्क कैसे करेगा, तो जैसा हम जान रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओवर करंट। जैसे ही ओवर करंट हमारे यहाँ आएगा तो फ्यूज़ मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और इवन जब यहाँ मेल्टिंग स्टार्ट होगा उसके बाद सर्किट में करंट जाना बंद हो जाएगा बिकॉज ये सर्किट को ट्रैप कर देगा। बात करेंगे लो वोल्टेज फ्यूजेस की। जनरली हम कभी भी पुरानी बिल्डिंग में गए होंगे तो इस टाइप के फ्यूज़ हमने देखे होंगे। मॉडर्न आज के टाइम में ये रिप्लेस हो चुके हैं बाया सेमीकंडक्टर फ्यूजेस और हाई टेक्नोलॉजी से इनको एक नए फ्यूजेस से कन्वर्ट किया गया है। रिवायरेबल फ्यूज़ की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल वायर यूज़ होता है, बट इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा फ्यूजेस इन सीरीज या इन पैरेलल लगे हुए हैं तो कब किसको एक्टिवेट होना है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता, और इसी वजह से हमारे अप्लायंसेस को समटाइम्स नुकसान भी हो जाता है। बात करेंगे कार्टेज टाइप फ्यूज़ की, तो कार्टेज टाइप फ्यूज़ जैसा आप देख पा रहे होंगे कि दो मेटल प्लेट के अंदर एक कार्टेज लगा हुआ है, समटाइम ये एयर से भरा होता है और इसके अंदर एक होता है फ्यूजिंग एलिमेंट, और समटाइम्स इट इज़ फिल्ड विथ पाउडर बिकॉज जो आर प्रोड्यूस होगी वो आपके मटे उसे जो आर प्रोड्यूस होगी वो आपके पाउडर से रिएक्शन करके उसको डिसेबल कर देगी।
बात करेंगे ड्रॉप आउट फ्यूजेस की, तो ड्रॉप आउट फ्यूजेस ये घर में या फिर छोटी जगह यूज़ नहीं होते, इनको हम जनरली पोल्स पे यूज़ करते हैं और ये ट्रांसफार्मर के पहले यूज़ किए जाते हैं। बात करेंगे स्ट्राइकर फ्यूजेस की, तो इनमें एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, और जब भी ओवर करंट आता है तो मैकेनिकल सिस्टम एक्टिवेट होकर सर्किट को ट्रैप कर देता है। बात करेंगे स्विच फ्यूजेस की, तो ये एक कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन है, जनरली मेटल से बना होता है और इसका वाइडली यूज़ हम हाई और मीडियम लो एंड मीडियम वोल्टेजेस के लिए करते हैं। बात करेंगे हाई वोल्टेज HRC फ्यूजेस, जैसा कि HRC का मैं मतलब पहले बता चुका हूँ, इट इज़ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, और कार्टेज टाइप हाई वोल्टेज HRC फ्यूजेस और लिक्विड टाइप हाई वोल्टेज HRC फ्यूजेस, ये इसके दो टाइप्स हैं। बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेस की, तो समटाइम जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्यूज़ में नथिंग, एक कंडक्टिंग वायर है जो कि मेल्ट होता है, तो इट इज़ वेरी चीपेस्ट और इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत मिनिमम है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम रिवायरेबल फ्यूज़ जब हम यूज़ करते हैं तो उसके वायर को हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, और जब ये इंटरप्ट करता है तो नॉइज़, फ्लेम और गैस वगैरह इसमें प्रोड्यूस नहीं होते। इवन बात करेंगे आर्क प्रोडक्शन की, तो आर्क अगर प्रोड्यूस होती है तो कार्टेज टाइप फ्यूज़ में वो रिएक्ट करेगी आपके पाउडर से और डिसेबल हो जाएगी। इसके बाद कुछ और एडवांटेजेस हैं, आप स्लाइड से देख सकते हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इनमें बार बार रिप्लेसिंग की ज़रूरत रहती है। इवन जब हम बात करते हैं लो वोल्टेज फ्यूजेस की, तो इसका डिसएडवांटेज है कि डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कर पाता। मान लीजिए मल्टीपल हम फ्यूजेस यूज़ कर रहे हैं तो कब किसको एक्टिवेट होना है, इसका डिसीजन समटाइम गलत हो जाता है और हमारे अप्लाइंसेस ख़राब हो जाते हैं। थैंक यू।